जस टीवी देख रहे तुसी, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करता हां। अयोध्या ते फैसला आया ते उस फैसले तो बाद देश विच बहुत सारियां चर्चावां होईयां। इन्हां चर्चावां दे विचाले सारे मंच आ जिहड़े सारे जथेबंदियां सारे भाईचारिआं ने भाईचारक सांझ की अपील की। यह मंच भी लगातार अपील करता है धर्म के नाँ ते जात पात के नाँ ते वंडन वाली राजनीति है जिहड़ी उसनों हमेशा ये मंच नकारता रहा है। अयोध्या ते फैसला आया ते इस फैसले की शब्दावली दे विच जिहड़े हवाले दिते गए है कि उन्हां हवालिआं ते सिख जथेबंदियों ने इतराज जताया, कुछ सीनियर वकील है उन्होंने इतराज जताया है तो उन्होंने इतराज के कल्ट शब्द है जोड़ा कल्ट ते बहुत ज़्यादा इतराज जताया है तो उस इतराज के बारे अज बहस करनी है कि चर्चा करनी है। इस बहस का मतलब यह नहीं है कि असी किसी को ठेस पहुँचानी है जी किसी फिरकू वंड जोड़ा असी उसू उत्साहित कर रहे हैं। इस बहस का मतलब यह है कि जोड़े शब्द है जोड़े जिस लहजे के वरते जाने चाहिए है कि उस लहजे क्यों नहीं आ रहे हैं कि इस करके इस बहस का आगाज आ जोड़ा अज असी कर रहे हैं। तो सवाल एक पूछा जाएगा कल्ट ते सिख हर्ट क्यों। एक हज़ार 45 पन्ने का फैसला तो अब बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फैसले के कुछ हवाले दिए गए कुछ जड़े शब्द लिखे गए उस पर इतराज़ हो गया। अयोध्या विवाद के फैसले से सिखा कल्ट लिखन से इतराज़ होर पक गया। कुछ सिख जथेबंदियों ने दावा किया कि सिखा की भावनावान ठेस पहुंची है। चंडीगढ़ में सिख बुद्धिजीवियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतराज़ जताया। गवाह रजिंदर सिंह के दिए हवाले से भी सिख हल्कों में नाराजगी पाई जा रही है। फैसले च निहंग सिंह का हवाला देकर पूजा से भी सवाल चुके जा रहे हैं कि पूजा जी सिख धर्म के है नहीं है तो वह हवाला क्यों दिता गया है इस भी सवाल चुके जा रहे हैं। सीनियर वकील तो आम आदमी पार्टी के सबका विधायक फूलका ने भी कल्ट का मुद्दा चुकया तो उन्होंने चिट्ठी तक लिख दी। एच एस फूलका ने श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार चिट्ठी लिखी है सिख विद्वाना की कमेटी बनाई जाए तो सिख पंथ से सिख पंथ इस शब्द को ध्यान समझ जरूरत है जो फूलका साहब ने जिसनों एड्रैस किया है तो गलत तर्जमे तो बचने की अपील की गई है। एच एस फुलका साहब ने कहा कि हैगा वो पहला असी देख लिए ग्राफिक्स जरिए फुलका साहब ने चिट्ठी लिखी है कहते जो मैं कल्ट की पंजाबी डिक्शनरी पढ़ी तो मैं खुद हैरान रह गया। मनिया परवानिया डिक्शनरी में कल्ट की पंजाबी पंथ लिखा हुआ तो पंजाबी यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में पंथ शब्द की अंग्रेजी कल्ट लिखा हुआ जो कि अंग्रेजी में कल्ट लफ्स में बहुत चंगा नहीं समझा जाता पर असी पंजाबी में सिख पंथ शब्द सिख धर्म के लिए वरते हाँ। जेकर कोई इसका तर्जुमा करने वाला डिक्शनरी का लफ्स देख के लिखे तो सिख पंथ में सिख कल्ट लिखेगा। तो इस पूरे मामले ते इस तो अलावा होर जिहड़े मामले है कि इस फैसले दे जिहड़े हवाले दिते कि उस ते सिख बुद्धिजीवी सियासी जानकार इतिहासकार की कहिंदे है कि पहला सुन लगे। साडा देश चलना चाहीदा सी उहदे तो असी बिल्कुल भड़क गए हाँ और सीधा ही सीधा धर्म नूं राजनीति लई वरतना धर्म का मतलब तो समाज दे विच शांति भाईचारा एक नेड़ता साढ़े इसे ही पंजाब दे विच बस मैं गल खत्म कर लगा साढ़े इसे ही पंजाब दे विच सारे सिख ईद दे उत्ते खुश हुंदे सी एक दूजे नूं वधाइयां दिंदे सी ते मुसलमान जिहड़े दिवाली मनाउंदे सी। इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट नूं लगभग बीजेपी ते आरएसएस दी इक शाखा बना के रख दिता। सुप्रीम कोर्ट दे फैसलिआं दा पहले भी क्रिटिसाइज होए ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गलत फैसले दिते ने वो फैसले उत्थे दिते ने जिथे मिनोरिटी इनवॉल्व सन। गुरु नानक देव जी की जिहड़ी साखी दे विचों गुरु सोवंद विच जिहड़े साखी आ उन्हां दे विचों जिहड़ा वरत्या गया शब्द ते धर्म नूं सिख धर्म नूं कल्ट दे तौर ते पेश कीता गया। कल्ट दा मतलब हुंदा भी एक छोटा जिहा फिरका नैगेटिव जिहड़ा काम करदा बहुत गलत काम करदा इस किस्म दा जां कट्टड़ किस्म दा फिरका इस किस्म ते सिख धर्म नूं कल्ट दे लैवल ते पेश करना यह भी सानूं बहुत वड्डा इतराज़ है। हुण कल नूं कोई इह कह देवे कि सिद्धा कोल गए सन सिद्धा नूं पुछदे सन यह बड़ी वड्डी बेवकूफी होएगी। अगर जज साहबान ने सिख धर्म बारे कुछ करना सी उन्होंने सिख धर्म बारे जानकारी हासिल करनी चाहिए सी पहला फैसले दे विच इहो जिहियां गल्लां लिखणियां उन्होंने सिख कौम नूं हर्ट ही नहीं किया सिख कौम के सिद्धांतों के नाल खिलवाड़ किया बहुत वड्डा। सिखां दी जिहड़ी होंद है धर्म की उस नूं बहुत बुरी तरह हर्ट किया है जिहड़े सिख धर्म नूं विश्वास जिन्हां दा सिख धर्म च विश्वास आ जिहड़े सिख आ उह बहुत इस गल तो हर्ट फील करते हैं तो ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होना चाहिए सी। सिख धर्म एक फुल फ्लैश्ड जिहड़ा धर्म है और पंजवां दुनिया का पंजवां बिगेस्ट रिलीजन है जिसकी हर इंस्टीट्यूशन रिस्पैक्टेड आ ऑनर्ड आ और उसका एक स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी का वह स्टेटस है।
इस डिबेट के वड्डा सवाल इको पूछा जाएगा, वड्डा सवाल यह पूछा जाएगा अयोध्या के फैसले की शब्दावली ने विचारधारा वाली कि बहस शुरू की। इस सवाल से असं बहस करा, पैनल साडा मौजूद है। इस पैनल दे विच हर वर्ग के नुमाइंदे नूं जगह दित्ती गई है। हरचंद सिंह बाठ सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट से लंबा तजर्बा इन्हां दा। हरजीत सिंह गरेवाल भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है, RSS तो इतों तक पहुंचे है। डॉक्टर पहलाकर माहर के तौर पर मौजूद रहन के इन्होंने पूरा फैसला भी पढ़िया होया। गुरतेज सिंह साबका IAS सिख बुद्धि तौर पर साडे नाल मौजूद ने। गुरतेज सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है, माफ़ करना मेरे तो गलती हो गई है, तो उन्होंने गलतियां सुधारने लिए असं इतने बैठे हुए हैं। मालवीर सिंह माली पोलिटिकल कमेंटेटर तौर पर विचार देने, माली साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। मेरी गलती भारतीय जनता पार्टी के बुलारे गरेवाल साहब ने सुधारी है, बहुत धन्यवाद तुहाडा गरेवाल साहब। गरेवाल साहब, इस फैसले में तुहानू कोई नुक्स नज़र आया? देखो, बहुत सारी जिहड़ी गल हैगी तां फूलका साहब ने क्लीयर करती, तो जज भी जिहड़े हैगे उन्होंने डिक्शनरी तो ही देखिया होना कि पंथ का मतलब इंग्लिश के किहड़े वर्ड तो, और उन्हूं बहुत ज़्यादा इस तरह लेना मैं समझना ठीक नहीं है। गुरु नानक देव दे बारे जां सिख पंथ दे बारे धर्म दे बारे जो असी विचार करते हैं तो होर बहुत सारिया चीज़ा ने, और तुसी देखना कि जिस तरह पुष्कर राज तीर्थ है, ब्रह्मा जी का स्थान है, उत्थे उत्थे बिल्कुल मंदिर के सामने जिहड़ा ब्रह्म सरोवर है तो उत्थे गोबिंद घाट आ, उत्थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गए ने। अज उत्थे ब्राह्मण पूजा करते हैं बैठ के, बहुत लोग उस घाट पर स्नान करना और बैठना बहुत पसंद करते हैं। उत्थे गुरु नानक देव जी भी गए और गुरु गोबिंद सिंह जी भी गए, जिथे जिथे तीर्थ ने वो सारिया जगह पर वो गए ने। गरेवाल साहब, गुरु साहबान का उत्थे जाना, मैं तुहाडे सवाल, मैं बहुत संजीदा डिबेट चाहना अज, गुरु साहबान का उत्थे जाना कि उस स्थान इंडोस करना होंगे? नहीं नहीं, उस स्थान नूं इंडोस करन दा मतलब यह है कि गुरु साहब जिहड़े सी उन्हां दा जिहड़ा धर्म आ जो उन्होंने सानू गुरु नानक जी ने विचार दिता वो 100% साइंटिफिक ट्रुथ आ, वो विज्ञान ते आधारित आ, उहदे ते रिसर्च करके तुसीं देख लो, एटम और वाइब्रेशन दी थ्योरी ते बेस करदा वो, और उन्होंने वहमां भरमां तो लोगों नूं कढ़ लिया। लगता है कि सिख बुद्धिजीवियों ने सिख जथेबंदियों ने इतराज गलत चुकया? नहीं नहीं, वो उतराज चुकना उन्हों का काम आ, क्योंकि उन्होंने तो चुकना ही हुंदा, पर जज साहबान ते और सुप्रीम कोर्ट ते इस तरह सवाल नहीं चुके जा सकते। नहीं नहीं, सवाल चुक लैन पर उहदा फूलका साहब ने काफ़ी हल कर दिता हैगा, मेरा ख्याल है भी उस तो बाद शंके जिहड़े आ उन्हों का निवारण हो जाना चाहिए, क्योंकि जज जिहड़े आ उन्हां दे विच मैनू नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा धर्म ते उन्होंने इन्नी स्टडी की होवे भी सिख धर्म ते असीं फैसला देना ते स्टडी कर लीए, हो सकता हिंदू धर्म दे बारे जरूर की होनी है। 1045 पन्नां दा फैसला जी, और फैसले च कुल 41 वार सिख शब्द की वरतों की गई है, 20 वार सिख, 13 वार सिख्स, 5 वार सिखिज़म, 3 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 18 ਵਾਰ ਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਅਨਭੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਾਹ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਘੋਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
जरूरी तौर के उत्ते है कि जज साहब न जी बहुत काशन वरतना चाहिए सी कि चीज़ वो रैफर कर रहे हो। जिहड़ी दूजी गरेवाल साहब ने गल कही है कि हो सकता उन्हें डिक्शनरी वेखी होवे तो उहदे विच जिहड़ा पंथ शब्द आ गया इस करके उन्हें वरत दिता। मेरा ख्याल है कि यह तो ठीक रही गल है कि कोई भी जज जिहड़ा उत्थे बैठे हुए ने वो है पंजाबी का कोई जानने वाला नहीं है ना ही कोई डिक्शनरी जिहड़ा वो कंसल्ट करने वाला है। मेरा ख्याल है कि जिहड़ा मेरे को डिक्शनरी दे जिहड़े वख शब्द कोश है बाट साहब मेरे को पिया होया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कहती है मैरियम वेस्टर की कहती है जिहड़ा इंग्लिश तो पंजाबी दे जिहड़ा पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच पंथ आया कंसल्ट करन दा जिहड़ा मेरा ख्याल है कि इहदे विच कोई इहो जी गल नहीं सी है। हाँ जिहड़ा कल्ट है जिहड़ा दा एक्सप्रैशन है ब्रॉड एक्सप्रैशन है ये जरूर नैगेटिव है इट शुड हैव बीन अवॉइडेड। और जज साहब तो मैं समझता कि सारे पता कि सिख इज ए रिलीजन एज देर आर अदर रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी तो कल्ट जिहड़ा जिहड़ा शब्द करना सी जे किसी भी तरीके नाल हो गया अनभोल तरीके नाल होया लगता मेरा ख्याल है कोई इंटेंशन जज साहब की नहीं हो सकती तुहानू इंटेंशन नहीं लगती सिख धर्म का जिहड़ा जिहड़ा रिस्पेक्टेड साडा धर्म है गुरुआं पीरां का धर्म है जिहड़ा सारे जिहड़े अपने आपस में मलबिरत रह के प्यार ते जिहड़ा अमन है उहदा सुनेहा दिंदा है। मेरा ख्याल कि इहो जी कोई इंटेंशन इस अनभोल गलती नूं सुधारा जा सकदा बिल्कुल सुधारा सकदा दो तरीके नाल सुधारा सकदा कोर्ट कैन टेक इट्स एक्शन स्यू मोटो कै चीज साडे सामने आई है साडा इह मतलब नहीं सी असीं जिहड़ा वा इहनूं एक्सपंग करदे हां इस जजमेंट दे विचों एक्सपंग हो जाएगा। दूसरा है कि जिहड़े फूलका साहब जां जिहड़ियां होर सिख जथेबंदियां जां ऑल अफेक्टेड पीपल जिहड़ा भी कुछ समझदा है वह इत्थे एप्लीकेशन पा के ये कर सकदा केस नूं ठीक है। छोटा ब्रेक लवांगे ब्रेक तो वापस आवांगे मेहमाना दे कोले अज वक्त थोड़ा जिहा घट होवेगा क्योंकि विशा बड़ा संजीदगी वाला हैगा ते सानूं सारयां दी गल ध्यान नाल सुननी पवेगी ते उहनां गल्लां दे विच्चों जिहड़ी पड़चोल निकलेगी तुहाडे सामने होवेगी कल्ट ते सिख हर्ट क्यों। ब्रेक तो फिर वापस आ रहे हैं सवाल क्यों पुछ रहे हैं सवाल असीं पुछ रहे हैं अयोध्या के फैसले शब्दावली ने विचारधारा वाली कि बहस शुरू की डॉक्टर गर्ग बहुत संखेप दे विच मैं जवाब चाहिए कल्ट शब्द से इंटेंशनली अदालत वालों यहोजा नहीं किया गया हो सकता बाट साहब ने भी गल कही है तो गरेवाल साहब ने भी गल कही है तुम इस तर्क में इतफाक रखते हो नहीं मैंने थोड़ा जा मैं जानबूझ के तो कहा या ना कहा पर मैं कहूँगा भी बहुत वीडी है वो हैगी है किमें एक तो यह डिक्शनरी अंग्रेजी डिक्शनरी सीधा लिखा भी एक व्यक्ति की पूजा जो व्यक्ति के पिछले लगता है वो कल्ट वो होंगे इंडिविजुअल के पिछे ये तो धर्म है एक इस तरह नहीं है वो कल्ट की डिफाइंड अंग्रेजी चाहे जे जज हाई कोर्ट साहब दूजी गल जो चीफ जस्टिस साहब से वो इतने भी चीफ जस्टिस रहे हैं जिहड़ा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहा होनू घट्टो घट्ट इसका काफ़ी कुछ है भी धर्म की है ये पता तीजी गल ये है भी जब तुम इस कोई शक नहीं कि जब असं इंसाफ की कुर्सी से बहना किसी भी तरह का इंसाफ हो उहदे उत्ते सानू अपने मन दे विच्चों ऐन पूरा स्पष्ट हो के बैठना चाहिए पर फिर भी कई बार बंदियां दे प्रति हुण जिवें जिहड़ा उन्होंने बाकी कुछ जो कुछ लिखा होया इहदे च वह जिहड़ा है वह बिल्कुल ऐसा है उन्हें गवाही देती वो गवाही नूं जद बंदा आप कहिंदा वी हाँ ये ठीक है तो इहदा मतलब वह मनदा है उसनूं उहनूं मनण वास्ते कोई घट्टो घट्ट नॉर्म हुंदे ने घट्टो घट्ट नॉर्म की ने जे कोई डॉक्टरी की रिपोर्ट कोर्ट ने गलत कहनी है तो उन्होंने उदू हायर अथॉरिटी तो कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन लैनी चाहिए है आपे एक्सपर्ट बनना जो क्योंकि सारे घर के एक्सपर्ट नहीं है ये साढ़े लीगल सिस्टम का पार्ट है कि तुम अगले एक्सपर्ट की रह लो हूँ इतने जे सिख धर्म बारे चाहे कल्ट लफ्ज है चाहे वह निहंग सिंह हवन करने की गल है चाहे वो घटनावान ने यह बाट साहब की गल ठीक है कि जो उन्होंने कल्ट ही वरत्या रजिंदर सिंह ने तो मैं बयान भी पढ़े उन्हें कल्ट ही लिखे पर इन्होंने उन्होंने कल्ट को मान लिया भी ये कल्ट है ये मनना तो वह बोलना दोहां च फर्क है उन्होंने रीप्रोड्यूस कर रहे होंगे तो मैं मानता जे जिवें बाट साहब ने कहा एक होंगे रीप्रोड्यूस करना किसी की गल नूं एक होंगे उन्होंने मनना दोहां च फर्क है ये जुडिशियरी ज़्यादा जानती है सो उन्होंने सारा कुछ मान लिया कि गुरु नानक देव जी उत्थे पूजा करनगे जन्म वो राम जन्मभूमि तक है जिहड़ियां गल्लां मनणियां ने जे किसी ने ये स्टेटमेंट देती जिहड़ा कि कोई अथॉरिटी भी नहीं जिहड़ा हूँ क्लेम करता कि मैं अथॉरिटी हाँ जिहड़ा ना लीगल अथॉरिटी है ना टैंपोरल अथॉरिटी है एस जी पी सी जिहो जी मर्जी एस जी पी सी एक स्टैचुरी बॉडी है तो एस जी पी सी इस दी इंटरप्रिटेशन देने वाली सब तो वड्डी बॉडी सी ये एड्डा वड्डा फैसला सी और ये कम्यूनिटीज़ के संबंध च सी इस करके एस जी पी सी तो इहदा लेना बनता सी। गुरतेज सिंह का मतलब ठीक है गुरतेज सिंह जी तुहाडे सारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तुसी उन्हां नाल अक्सर हुंदे हो गुरतेज सिंह तुहाडा इतराज़ है की है जिहड़ा इतराज़ श्रोमणी कमेटी नूं होना चाहिए सी उह तुहानूं क्यों है
श्रोमणी कमेटी का सानू पता नहीं हाँ। लेकिन सानू इतराज़ यह है कि यह लफ्ज़ गलत वरते गए जड़ा भी सिख धर्म है हम अपने सारी गल हो चुकी है ये एक अपने आप दे विच सॉवरन डिस्पेंसेशन है इस नूं तुसीं कल्ट नहीं कह सकते जड़ा कल्ट हुंदा है वह एक जिस तरह गर्ग साहब ने दस्सिया एक आदमी के पिछे और उस दियां जिहड़ियां प्रैक्टिसिज़ हुंदियां वह डिक्शनरी दे विच लिखिया होया भी बड़ियां स्ट्रेंज क्वेर अजीब किस्म दियां प्रैक्टिसिज़ हुंदियां जिस तरह हुण पिछे जे दिल्ली दे विच पंज एक घर दे मैंबर सारे सारे एक फाइल लग के मर गए सी क्योंकि वह कल्ट के फॉलोअर से उन्होंने कहा भी इस तरह करो जिस तरह के सरसे वाले दे मैंबर कई कल्ट नूं तुसीं कट्टड़ता समझदे हो की समझदे हो नहीं कट्टड़ता नहीं ये हाँ। एक बहुत डेरोगेटरी किस्म दा नेगेटिव वर्ड है ग्रुप है ग्रुप धर्म दे विच कई धर्मां दे विच हो सकदा क्रिश्चियनिटी दे विच भी हुंदे ने बाकी होर धर्मां दे विच हुंदे ने ये जिस तरह ठग सी इहदे विच हिंदू धर्म दे विच इस तरह का मतलब है इसका उन्हों का एक आदमी के नाल हुंदा सी अलाइनमेंट और उस तो बाद वो इस तरह के कर्म करते सन जिहड़े कि जिन्हां दी निंदा हुंदी सी तां इह इस तरह दा तुसीं हुण ते की एक्शन लै रहे हो देखो एक्शन ते आही है भी इक जागरूक करो लीगली भी तुसीं जा रहे हो किते हां जी लीगली भी जा रहे हो किते नहीं लीगली तां हुण इह इक केस खत्म हो गया उहदे विच असीं एप्लीकेशन ही दे सकदे हां दित्ता जाएगा हां ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਛੇੜਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਟਲ ਪੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਲਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਟ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸੀ ਰੱਦੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਉਣ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਓ ਮਥੁਰਾ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਓ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਲਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜੂੰਗਾ
सवाल एक पूछ रहे हैं, बड़ा सवाल असं पूछ रहे इस डिबेट के अयोध्या के फैसले शब्दावली ने विचारधार वाली कि बहस शुरू की है। बट साहब जो माली साहब ने सवाल चुके है कि माली साहब के सवालों में कोई दम है या माली साहब की निजी सोच है? के पी सिंह जी, इस जो फैसला आया वा फैसले के बहुत सारे जोड़े है किंतु परंतु उठाए जा सकते हैं, जिन्हें माली साहब ने उठाया माली साहब तो होर भी अगे चीजा जल्दाल गया उस अलावा होर भी इशू है। सब तो वाला तो इशू जो मैं समझे है कि हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम के खास करके जी आजादी तो बाद कित ही मैनू मेरे याद नहीं है ना मैं सुनया इस बारे ना मैं पढ़ सकिया कि यह ना हो जी जजमेंट है जो फैसला लिखा यद ऑथर कौन है, ये कित नहीं है। पंजा जजा के ना थले लिखे हुए ने और लिखी किने किते जिहड़ा वा जिक्र नहीं है, दस्तखत नहीं है, दस्तखत पंजा जजां दे है, दस्तखत दा नहीं हुंदा, हुंदा है कि पंजा दे विचों पंजे जिहड़े जज है वो इकट्ठे होके नहीं लिखदे है, उन्हां चों इक लिखदा, डिक्टेट किने कीता इक जिहड़ा तुहानूं कि नहीं लगदा डिक्टेट कौन करदा हुंदा वैसे? मैं तो समझ आ गया जिहड़े भी जज होण चाहे पंज जज होण चाहे तिन होण उन्हां दे विचों इक जणे दी जिहड़ी आ ओह लगदा कि हां तुसीं इहनूं कर दो, दसना जरूरी हुंदा, दसना जरूरी हुंदा डिक्टेट किने कीता, आम करके इह जरूरी क्यों नहीं दस्सिया गया फिर? जजमेंट नहीं है, जजमेंट के 130-140 पेज का जो एडिशन है जो डंडा जिक्र किया गया भी आथर कौन है वह भी नहीं है। कौन जज है पूरी जजमेंट सहमत है पर होर वाधा करना चाहते हैं उस स्पिरिट जज साहब कौन ने भी कोई जिक्र नहीं है। और जे उहदा जिहड़ा डंडा जिहड़ा लास्ट जिहड़ा एडिशन कीता है जे उहदा तुसीं लास्ट पैरा करो दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल है कि उहदे च लिखिया गया कि जिहड़े हिंदू दा बिलीफ और विश्व जिहड़ा फेथ एंड बिलीफ वो जिहड़ी जदों दी ये हुई है कंस्ट्रक्शन हुई उस तो पहलां दा भी सी और इस जजमेंट दे राहीं जिहड़े गवाह आए ने जिहड़े ओरल और डाकूमेंटरी एविडेंस आई है उहदे तो यह प्रूव हो गया है कि हाँ वाकया ही राम दा जन्म इस जगह दे उत्ते होया जिहड़ा है जे हिस्टोरिकली जिहड़े साडे एमिनेंट हिस्टोरियन साडे देश ते होए ने जां पूरी दुनिया दे विच होए ने जिन्हां ने इहदे ते रिसर्च कीती है वो किते भी अजे पिन पॉइंटेड नहीं है। और ये जजमेंट दा जिहड़ा कंक्लूडिंग पैरा ये आउणा कि हिंदुआं दा विश्वास और बिलीफ एंड फेथ ये कंक्लूड करदा है इहदे डाकूमेंटरी और इहदे एविडेंस दे उत्ते दैट इज़ आलसो should have been avoided is samjhi aa rahi hai kyon is cheez nu theek hai but sir koi oh ji example hai ki hai jadon author da naam nahi likha janda dictate kinne kita hai main keh ji main ehi keh raha tuhanu ki meri knowledge te vich nahi hai pehli wari hoya tusi mere khayal I subject to correction theek hai garewal sir garewal sir gawar rajinder singh kaun hai inna da pichokad ki hai ga tusi dass deo mainu nahi pata na tahi tuhanu sadya mainu pata hunda te fir main debate hi na karda। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਇਹ? पहली गल तो मैं तुम दस दी तुसी जिस दिशा जाना चाहते हो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने यह बहुत पहले ही कहता जो परम पूजनीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक से उस वेले उन्होंने कहता सी कि सिख एक अलग धर्म है अलग कौम है वह असी एडमिट करते हैं उसनों असी स्वीकार करते हैं RSS की तरफों कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत लोगों ने सवाल उठाए सिखां नूं हिंदू ही मनदे आ
इस करके वह कह गया कहना पिया सी। और अज भी जिहड़ा रजिंदर सिंह दा सवाल उठाउंदे आ लोग इस नज़रिए तो उठाउंदे आ ज़्यादा होर कोई उन्हें इदा नहीं गवाह तो वकील साहब बैठे दस सकते हैं कि कोई भी रजिंदर सिंह सिक्खी के बारे चंगी तरह जानते उसके बावजूद उन्होंने सिख कल्ट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। पहली गल मेरी गल तो सुन लो, कोई भी गवाह जाके कोई भी व्यक्ति जाके ये कह सकता कि मैं अपनी गवाही देनी चाहना इस मामले च मेरे को भी कुछ गल्लां हैगियां दसण जिहड़ियां इस केस दे हित च हो सकदियां ने फैसला देण जजां नूं आसानी हो सकती है वह कोई भी कह सकता वह कोर्ट के उपर आ डिस्क्रिप्शन आ कि वह उसनूं मन्ने जां ना मन्ने। रजिंदर सिंह वल्लों कोई गलती नहीं है नहीं नहीं उन्हें अपना जो ओहदे कोल सीगा मटीरियल ओहने देता वे जानकारी घट सी उहनां नूं तुसीं इहनां दा जानकारी घट गर्ग साहब मेरा सवाल हैगा कि रजिंदर सिंह दा तालुक इन्होंने दसता है गरेवाल साहब ने रजिंदर सिंह हरां नूं जिन्नी जानकारी सी उन्होंने वह दसती उत्ते रजिंदर सिंह हरां दी जिहड़ियां साखियां दा जां होर उन्होंने रेफरेंस दित्ते हैगे जिहड़ा जिक्र उस फैसले दे विच हैगा तुसीं पढ़िया होगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वो जिहड़ियां हाँ वह जिहड़ियां किताबां जां साखियां जां पोथियां जिंदा भी जिक्र कीता गया वह किहड़े प्रकाशकां दीआं हैगियां इस बारे कोई जानकारी है तुहाडे कोल? बिल्कुल मैं दसदा की है वो वख वख प्रकाशक ने जिहड़ियां देखण वाली गल है प्रकाशकां दा तो कोई मीनिंग नहीं रह जांदा क्यों नहीं रह जांदा सिख धर्म के जे सिख फलसफे सिख दिया जिहड़ा फलसफे घटनावां वापरियां उन्हां नूं जे देखना वह सब तो वड्डा जे मापदंड है वह गुरु ग्रंथ साहब है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़ियां गल्लां ने जो कुछ लिखिया बहुत सारिया जिवें बाबर दे आउण दी सारी लिखी हुई है जिमें उहदे उत्ते बाबर ने आके जो कुछ करिया वह सारा कुछ लिखा हुआ सीधा नाल गोस्ट वाइज लिखा हुआ है। सो वो जिहड़ी सिख धर्म दीआं जिहड़ियां बाकी साखियां ने कहानियां ने इहदे विच इक होर रैफरेंस मैं दसदा गुरु नानक देव जी के छोटे पुत्र का हवाला दिता भी वो वालों लिखी हुई किताब है वो तो गुरु नानक देव ने तो अपने पुत्रां दोहां गद्दी नहीं दित्ती सी ते वो श्री चंद ते लक्ष्मी चंद ने अपना पंथ वखरा वखरा चला लिया सी वो नचली वो तो उल्टे ही लिखणगे इदां ही गुरु अर्जन देव जी सीगे गुरु अर्जन देव जी वो पृथ्वी बड़ा कुछ लिखता रहा वो खिलाफ़। सो सिख दे सिख कोई मोनोलिथ नहीं इस तरह पर फर्क कित्थे है फर्क यह है जब तुसीं कहने हो भी एक रजिंदर सिंह उहदा कोई भी विश्वास हो सकता वो एक गवाही दिंदा है वो कहना मैं इन्नियां किताबां पढ़ियां ने मैं सिख स्कॉलर हाँ तुसीं उहनूं ऐसा सच्ची मन लैंदे हो उहदे कहे होए नूं मन लैंदे हो जिहड़ा कि टोटल सिख धर्म दे उल्टा है चाहे वह शब्द कल्ला कल्ट नहीं है उत्ते लिखिया है राम जन्म सथल ते दर्शन करन गए ने गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब तुहानूं किते नहीं लभूगा वी दर्शन करन गए ने किते उह तां सारे इस कर्म कांड दे उल्टे ने उहनां ने कहा है नानक निरंकार एक होर केते राम रवाल किन्ने राम रवाल ने केतियां केते कान केते ठीक है। फिर उन्होंने आख्या है राम बारे कहिंदे राम नूं निकाला देता रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया ये जिहड़ियां जिहड़ा राम जिहड़ी ये राम दे उत्ते राम दा नाम बहुत आउंदा है राम है जिहड़ा घट घट च रवे राम दी गल है ये जिहड़ा दशरथ दा पुत्तर राम है उहनूं ये जिहड़ी अयोध्या दा माला दशरथ दे पुत्तर राम वाला है ये उस राम वाला नहीं ये वड्डे कॉन्सैप्ट वाला नहीं है। सो जे दशरथ दे पुत्तर राम वाला मामला है उहदे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब दे पूरे हवाले तुहानूं मिलणगे सांत सांत किवें एक मिनट बस मैं एक मिनट च खत्म करदा सिख धर्म जिहड़ा है वह हिंदू धर्म च ज़्यादा सी कुरीतियाँ मुसलमान धर्म सारिया कुरीतियों के खिलाफ हैं डट के कहे उन्होंने कहे कहिंदे जे तुसीं हर का संत मरे हड़ंबे सगली संत राई जी ये कहिंदे ने भी तुसीं काशी च ही मरना चाहिए वह कहिंदे तीर्थ वर्त करके की करोगे वह कहिंदे दे के चौका कढ़ी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे अन्न साडा ये फिटे फिर कहिंदे जे मोहा का घर मोहे पित्री चोर करे कहिंदा किसी दूं वह करके हैं ते अगे वस्त सियाणियां पित्री चोर करे कहिंदे तुसीं ऐं श्राद कराई सी ओह तां हैं। सो फिर ज्योने पित्र ना माने को मुए श्राद कराही पित्र भी बपरे क्यों कर खावे काऊगा कुकर खाही ये जिहड़ा एडियां वड्डियां गल्लां कहियां ने हैं कहिंदे जे जे मूंड बंडाए मुक्ति मिलदी फिर तां भेदां नूं मुक्ति मिल जाणी चाहीदी सी जे नंगे कपड़े ना पाउण नाल मुक्ति मिलदी फिर तां हिरनां नूं मुक्ति मिल जाणी चाहीदी सी। सो इस करके उन्हां ने जल के नावन जेगत होवे नित मेढ कन्हावे राम सो इह जे हुण इत्थे वी राम वरत्या इह राम ओह राम नहीं है इह फर्क है। सो इस करके सानूं इह समझणा पऊ वी इक सिख दी कॉन्सैप्ट है मोनोइस्ट इक रब जिहड़ी हिंदू धर्म दी कॉन्सैप्ट है ओह 33 करोड़ दी होंदी इस करके बिल्कुल ही वखरा है। गुरतेज सिंह जी तुसीं लोग कह रहे हो कि सिख विचारधारा नूं ठेस पहुंची है ज़ाहर है जी कि सिख धर्म जिहड़ा है वह अवतारवाद नूं नहीं मंदा दूसरी गल इस नूं भुगताया जा रहा है एक स्पैसिफिक
पॉइंट के हक के प्रूव कर प्रूव करने वास्ते हूँ ये कह देना कि अज तो 400-550 साल पहला गुरु नानक साहब ऐसे पॉइंट के उत्ते आए थे ये बड़ी अजीब गल है। फिर वो अयोध्या के मैं सुने कि 13-14 जगह है इस तरह दियाँ जिथे वो क्लेम करते हैं कि राम इतने पैदा हुए थे। हूँ फिर सिख हिस्टोरियन ने दस दिया कि नहीं नहीं दस दिया सारा कुछ है सिख हिस्टोरियन दस दिया गुरु नानक साहब उत्थे गए सी गुरु नानक साहब बहुत जगह गए थे। उन्होंने 28,000 मील का सफ़र किया अपनी हयाती दे विच गुरु साहब मक्के भी गए सी मदीने भी गए सी गुरु साहब सुमेर पर्वत ते भी गए सी गुरु साहब पुरी भी गए सी सिलोन भी गए सी हुण तां कहिंदे आ रोम भी गए सी। तां फिर इन्हां दा गुरु साहब अपनी गल करन वास्ते गए सीगे तीसरे गुरु दे बारे चौथे गुरु कहिंदे ने जिस वेले गुरु साहब जांदे ने इत्थे हरिद्वार तां उह कहिंदे ने कि अभीज पुरब सतगुर किया जगत उदरण अर्था जगत नू उदाहरण वास्ते उत्थे गए उन्हां दीआं गल्लां सुनन वास्ते या उन्हां दा प्रभाव कबूलन वास्ते नहीं सी गए वो अपनी गल कहण वास्ते गए सन। इस तरह ही हर जगह दे उत्ते जाके गुरु ने अपनी गल कीती है और वह जिहड़ी गल है उन्हां दी वह हिंदू धर्म तो दूसरे धर्मां तो निवेकली गल है वह उन्हां दी अपनी गल है वह एक सोवरन धर्म की गल है और वह एक मानवता दे सांझे धर्म की गल है। ठीक है माली साहब गवाह रजिंदर सिंह दे रेफरेंस दे नाल की सिखां दी पछाण नूं खतरा पैदा हो गया नहीं सिखां दी पछाण नूं खतरा पैदा होण दा सवाल नहीं तुसीं लगातार सिखां दी पछाण नूं खोल रहे हो। भाई गुरदास की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज नहीं पर उन्हूं गुरबाणी की कुंजी कहा जाता उन्होंने कहा सी मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। हुण सिर्फ ये कह देना भी ठीक है जी सिख धर्म वखरा सी उन्हूं मानदे आ पर सिख धर्म की सारी व्याख्या वह है जी कहते असं दिने राष्ट्रीय सिख संगत वाले गुरु तेग बहादुर की कुरबानी की कहदे खातर सी जी वह हिंदू की चादर खातर सी जी साहबजादियां की कुरबानी कहदे खातर सी जी इन्हां खातर सी पंथ खालसा क्यों साजिया जी हिंदू धर्म की रक्षा खातर जनेऊ की रक्षा खातर हिंदुस्तान की रक्षा खातर सिखां नूं सिख धर्म की व्याख्या देने का हक तो है ना मानता तो ही मनी जाऊ ना जी आ जिहड़ियां साखियां लिखी गई ने सिखां दे विच इन्हां नूं मानता नहीं सिखां दे विच बाले नां दे पात्र नूं मानता है नहीं भी नाल जोड़ा गया बाद दे विच सिखां ते इहदे भी सवाल आ भी गुरु नानक साहब सी उहदा नां गुरु नानक देव नहीं सी इस करके सिखां दे जिहड़ी इह आ ना जी इतिहास साहित इह च मिलावट बहुत वड्डी पद्धर ते आ। गर्ग साहब दी गल ठीक आ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं शब्द गुरु कहा ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਸਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਲਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
माली साहब वैसे सवाल ये बाट साहब वास्ते सी पर मैं तुहानूं पुछूंगा जरूर क्योंकि धारा 25 भी अक्सर तुसीं जिक्र करदे हो इस फैसले दे नाल जां इस फैसले विच हवालियां दे नाल धारा 25 भी वाली जिहड़ी सोध की मंग है की है कि उन ते कोई असर पै सकता है इसका। देखो जी ये धारा 25 भी की सोध भी मन लो ये कर लैण उहनूं जोड़ देण जदों तक तुहाडी बुनियादी नीत ते नीति क्लीयर नहीं हुंदी ना जी उदों तुसीं आ तुणकियां दे नाल गल नहीं बणदी कल्ट तां ठीक हो जूगा पर यह सारे कासे दे विच सिख धर्म की गलत किड्डी व्याख्या उन्हों केड़े मकसद लिए कित्थे भुगताया गया ते ओ बंदा जिदे बारे अकाल तख्त ने हुक्मनामा जारी किया होया राष्ट्रीय सिख संगत नाल किसी ने कोई मेल जोल नहीं रखना कोई सियासी सरगर्मी नहीं करनी क्योंकि सिख विरोधी आ आर एस एस के खिलाफ यह बयान दिते हुए ने जो सिखां दी व्याख्या करदे आ इतिहास की व्याख्या करदे आ उहदा सिखां नाल कोई संबंध नहीं फिर अज तुहानूं तुहानूं सारिआं नूं मिलना तां नहीं बुलाउणा चाहीदा सी फिर मैं पोलिटिकल डिबेट करदा नहीं 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 जे तुहानूं लगदा ए रिलीजियस डिबेट आ सिख धर्म की जदों आपां उहदी पहचान की गल करदे आ ना जी नहीं तुसीं जिहड़ी गल कह रहे हो कि किसे दा निशाना किसे दा मकसद है किसे दा मतलब है नहीं जदों तुसीं इक जजमेंट दे विच उस धिर दा पक्ष लै रहे हो सिक्खी की व्याख्या उहनूं मन रहे हो जिहड़ी तिर सिखां नूं परवान नहीं मेरा सवाल सिर्फ यह है भी इस लई सिखां दी जथेबंदियां चाहे वह अकाल तख्त साहब ने चाहे दिल्ली कमेटी है जां इह आ जिहड़ियां जिहड़ी जथेबंदी नूं मानदियां नहीं उहदे कारकुन नूं तुसीं तुहानूं लगदा कि श्री अकाल तख्त साहब जथेयां नूं रिएक्ट करना चाहिए इस ते नहीं मैं तां कहिंदा समुचे फैसले ते करना चाहीदा मैं कहिंदा इह इह कल्ट वाली गल आ जिहड़ी इह वीक गल हैगी आ पर कल्ट दे विरुद्ध तुसीं दस्सिया सिख रिलीजन भी कहा गया सिखिज्म भी कहा गया किन्नी बार किन्ने शब्द वरते गया सो इस करके गल बड़ी हो रहा फूलका साहब आ जिहड़े ओ बड़ी गल नूं पासे तलकाउण लई कल्ट दे मसले नूं आ रहे ने ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਲਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਲਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ ਬਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਨ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਇਨ ਇਟਸ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਧੋਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਊਗੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਟਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ
और इस तो ज़्यादा होर साफ स्पष्ट गल की हो सकती है। मैं भी इस चीज़ को मानता जिहड़ा यह कहिंदे कि गुरु नानक देव जी ने जिहड़े राम की गल की है वह अलग आ, उन्होंने दशरथ के बेटे की भी गल की है राम की, उही साडा भगवान आ, असीं उसे नूं मंनदे आ, उसे दा मैं दो गल्लां कहांगा। एक तां इह है, एक विश्वास एक विज्ञान, एक विश्वास एक कानून, यह दोहां नूं मेल जे करके चलाओगे तो समाज नहीं चलेगा। विश्वास किसी का कोई भी हो सकता है, मेरा विश्वास हो सकता है बंदा माड़ा है चंगा है, मेरा विश्वास है कातला हो सकता है कातला हो भी ना, विश्वास दे उत्ते असी ना साड़ी विज्ञान चल रही है, अज ये साड़े सिस्टम चल रहा है कि विश्वास से सारा कुछ करो, विज्ञान नूं छड्डो, कानून नूं छड्डो, प्रशासन नूं छड्डो, ये गलत होएगा, मुल्क वास्ते घातक होएगा, मुल्क टुटेगा। ये दूजी गल, गुरु नानक देव जी की विचारधारा कुदरत नूं बचाउण दी, मनुखता नूं बचाउण दी, रेशियल डिफरेंशिएशन नूं खत्म करन दी, जात पात नूं खत्म करन दी, धर्मां दे विचकरे नूं खत्म करन दी, सारे संसार नूं इक समझण दी, सब नूं बराबरता जी लुट खुट नूं खत्म करन दी, राजे नूं चैलेंज करन दी, जुल्म दे खिलाफ चैलेंज करन दी सी। उस विचारधारा नूं जे असीं हिंदू विचारधारा बनावांगे तां असीं मुड़ के मनुस्मृति वल नूं जावांगे, मुड़ के असीं उस पासे जात पात दे वल जावांगे, ये बड़ा वड्डा घातक होएगा। बल्कि मैं कहांगा गुरु नानक देव जी की जिहड़ी विचारधारा वो साडे संविधान दे ज्यादा नेड़े है, साडा संविधान भी यही कहिंदा वी लोकां नूं बराबर समझो आ करो, वो नहीं कर सके वक्खरी गल है। सो सानूं इक वो विचारधारा नूं रलगड नहीं करना चाहिए। तीजी गल मैं ये कहांगा, थोड़े मन च जो मर्जी होवे, तुसीं जद इंसाफ दी कुर्सी ते बहने हो उदों आपदे खिलाफ तुहानूं फैसला देण दी हिम्मत होवे तां तां तुसीं ठीक हो। जे तुसीं आपदे खिलाफ नहीं, क्योंकि तुसीं मैं प्रोटेक्शन वरतां कि मैं सर्जना मैं जो ऑपरेट करता ठीक है, फिर मैनूं लगदा है भी कितने ना कितने गड़बड़ होई। मरीज नूं हक है मैनूं आके कहे सुप्रीम कोर्ट कोले सुमोटो ही है, इस तों अलावा होर किसे कोले मिला रहे। मैं कहना जी कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी सिख जां कोई भी जिहड़ा समझे कि इह चीज़ गलत हुई है, ही कैन फाइल ए एप्लीकेशन कि चीज जिहड़ी इहदा गलत जिहड़ा एक्सप्रेशन है वह जा रहा डैड कह, यह सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो सकती हैं। गुरु नानक साहब उत्थे गए क्यों गए, दर्शन पूजा न्यांग सिंह दी पूजा, सुप्रीम कोर्ट कह सकदी है, सुप्रीम कोर्ट कह सकदी है कि जिहड़े सी शब्द वरते आ रजिंदर सिंह दी गवाही दे विच है, पर सुप्रीम कोर्ट दा इहदे उत्ते कोई जिहड़ा डिसीजन नहीं है जां कोई इहदा जिहड़ा उहनां दी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाँ वाकया ही गुरु नानक देव जी उत्थे पूजा करन दे नाल गए सी। मैं एक लाइन कहनी चाहांगा सिर्फ, वह यह है कि जात पात दे साथ संगूक दा मारन वाली गल, उदों अगे जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी फिलासफी है वो तो यही है भी कोई चीज़ वो तो कहते भी सूतक ही है, ये सारे सूतक मानते हैं, जात पात मानते हैं, जात का गर्वना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्रह्म, वो कहते मन का सूतक लोभ है, मन का सूतक लोभ है, जेबा सूतक कूड़ अखी सेत को देखना पर त्रियापन रू परतन रूप, कन्नी सूतक कन्न पै दाए तवारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जंपर जाए, वो तो सूतक इनू मानते हैं, आ सूतक तो असं मानते नहीं है, ये तो समाज से सारा कुछ करी जाने वो तो दूजे असं मानते हैं, ये तो बदलना चाहो। चलो बहुत धनबाद डॉक्टर गर्ग थोड़ा, गरेवाल साहब थोड़ा बहुत धनबाद, गुरतेज सिंह जी थोड़ा बहुत धनबाद, माली साहब थोड़ा बहुत धनबाद, बाट साहब थोड़ा बहुत धनबाद है। तो सारे के विचार सुने, विचार है जोड़े विचारधारा दे, इस विचारधारा दे कोई टकरा ना पैदा हो, इस विचारधारा के जोड़ा वो साझीवालता सुनेहा जोड़ा बरकरार रहे। कल्ट ते सिख हट के उसी सवाल एको पुछया सीगा, इस सवाल का जवाब हुण अदालती फैसले तो बाद किस तरीके नाल सूह मटो लिता जा रहा, किस तरीके नाल इस फैसले नूं इस तो बाद जिहड़ा नाराजगी जताई जा रही है वह किवें लिया जाएगा। बाट साहब ने बहुत संजीदगी नाल दस्सिया हैगा, पर बहुत सारे सवाल आ जिहड़े तुहाडे मनां विच वी होणगे साडे मनां विच वी होणगे, सारे सवाल इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सके, उस लई माफ़ी चाहुंदा। इस विशे बारे इस तो वधेरी वड्डी चर्चा मैं नहीं कर सकता, मैं अपने वल्लों भी माफ़ी चाहुंदा क्योंकि मैनू इन्नी इतिहास बारे जानकारी नहीं हैगी जिन्नी इन्हां विद्वानों ने इत्थे सांझी कीती हैगी आ, पर मैनू इन्ना जरूर पता हैगा जे गवाह रजिंदर सिंह ते सवाल उठे तो उन्हां सवालों के पिछे कुछ तो हैगा। बहुत धन्यवाद।